वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो पड़ाव जब हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ अनुराठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों के सवाल दें, उससे पहले हम एक बेहद ख़ास मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड हाउस के खिलाफ शिकायत करनी है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करनी है, तो आप कहाँ का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कहाँ गुहार लगा सकते हैं। तो वैसे फिरोज, बहुत कम सुनने में आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ किसी को कोई शिकायत करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मामले बिल्कुल भी नहीं आते। अब अगर आते हैं तो किस तरह की शिकायतों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें फिरोज, तो वो काफ़ी क्लियर है मामला। मिस सेलिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं और उसी से जुड़े केसेस हैं जिनकी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं IRDA में जाकर। मामला बहुत बढ़ गया तो आगे कार्रवाई भी होती है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स की कंप्लेंट्स की मैं बात करूं, AMC से ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट की बात करूं, तो वो किस तरह की कंप्लेंट्स की हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं? कविता जी, देखिए, स्कोर्स जो सिस्टम है उसका फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रेडिसल सिस्टम। इसमें काफी सारी कंप्लेंट्स आ सकती हैं, इंटरमीडिएट भी आ सकती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे भी आ सकती हैं। लार्जली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के खिलाफ आपको अगर कोई शिकायत हो, दर्ज करनी हो, तो स्कोर्स का सिस्टम यूज किया जाता है। ऑफकोर्स अगर करोड़ों इन्वेस्टर हो तो महीने की 1,000, 2,000, 3,000 कंप्लेन आना वाजिबी है, विच आई थिंक इज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन रिलेशन टू द टोटल इन्वेस्टर्स। कंप्लेंट्स कई किस्म की आ सकती हैं। देखिए, कभी कभार अकाउंट स्टेटमेंट नहीं मिलता, कभी रिडेम्पशन या डिविडेंड डिले हो जाता है, कभी मिससेलिंग होती है, कभी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कोई गलती से दूसरा ट्रांजेक्शन किसी और के अकाउंट में पंच हो जाए, जो कि होता नहीं है, बट ऐसी भी कंप्लेंट्स आ सकती हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस ना फॉलो करने की भी कंप्लेंट आ सकती है, बट लार्जली इसमें जो सबसे क्रिटिकल कंप्लेंट्स होती है मिससेलिंग वाली होती है। बट अच्छी बात यह है, जैसे आपने इंश्योरेंस से भी तुलना की, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चलो अगर लगता है कि आपको कुछ चीज मिस सेल हो गई है, तो उसमें आपके एटलीस्ट ये चारा है कि आप अपना यू टर्न ले सकते हैं। देखिए, अब इंश्योरेंस में मिस सेलिंग हो गई, आपने फ्री लुक पीरियड मिस कर दिया, तो आप 5-5 साल 10-10 साल फंस जाते हैं आप, अनलेस यू डू अ कार्रवाई। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, चलो डेट फंड गलत बिक गया आपको, तो उसमें एटलीस्ट रिडेम्पशन हो सकती है। रिडेम्पशन में एग्जिट कॉस्ट को आपको रिकवर करना पड़ता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी से और NAV के डिफरेंस को। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लेंट्स, but there can be very very diverse nature of complaints, Kavita ji. थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ की कंप्लेंट पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के खिलाफ से अगर हम कंप्लेंट से कंपेयर करें तो शायद ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें जाने का सिलसिला यहाँ पर है। तो उनके खिलाफ किस तरह की शिकायतें, और जो स्कोर्स का आपने अभी जो जिक्र किया है, वहाँ पर शिकायतों का निवारण और निपटारा कितनी जल्दी होता होगा, उसके लिए क्या सुनवाई होती होगी, क्या प्रोसेस होता होगा फिरोज? देखिए कविता जी, म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी एपिटोम पे है, इतनी मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी कोई और प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में शायद ही मिल पाती है। तो स्कोर्स की जो कंप्लेंट है, मंथली कितनी कंप्लेंट्स हुई, कितनी रिजॉल्व हुई, क्या टाइम पीरियड में हुआ, तो लेट मी रीड आउट April 2023 का आंकड़ा। पेंडिंग जो कंप्लेंट्स थी बिगिनिंग ऑफ द मंथ 2030 थी, रिसीव हुई 3037, डिस्पोज ऑफ हुई 2071, तो पेंडिंग एक्शनेबल के लिए करीबन 3000 और पेंडिंग है, और एवरेज रेसिड्यूअल मतलब रेजोल्यूशन टाइम 25 दिन का था। तो जैसे आपने पूछा कितना टाइम लगता है इसको रिजॉल्व करने के लिए, 25 डेज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे भी, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में कितनी कंप्लेन आई उसका भी ब्रेकअप आपको मिलता है, और AMCs को रिटर्न रिप्लाई देना पड़ता है एक स्टिपुलेटेड पीरियड में। So, to answer your pointed question, 25 days is the turnaround time for a complaint to be addressed. चलिए, तो ये वो ज़रिया है जिसके चलते आप म्यूचुअल फंड के खिलाफ शिकायतें अपनी दर्ज करा सकते हैं, और आपको निवारण की भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोई खास खर्च जो लगता होगा ये शिकायत और इस पूरे निपटारे के पीछे, कि ये पूरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है? कविता जी, फाइनेंशियली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका वक्त लगता है बस, दैट्स द ओनली थिंग यू स्पेंड व्हिच इज योर टाइम, ऑफ कोर्स नो मनी नीड्स टू बी स्पेंट।
फिरोज, यहाँ पे आपको कोई दस्तावेज वगैरह जमा नहीं करने होंगे या कोई रिकॉर्ड्स वगैरह जमा नहीं करने होंगे? नहीं नहीं, इतना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। आपको scores.gov.in/registration उसकी वेबसाइट या लिंक पे जाना है और आपको गाइड करेगा। बड़ा सिंपल डम डाउन प्रोसेस है कि कोई भी साधारण आदमी उसको आसानी से समझ सकता है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और एक लिंक पे जाके क्लिक करके अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करना है और उसका कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है और रीजनेबली सिंपल फॉर मोस्ट पीपल टू कॉम्प्रिहेंड। ऑलराइट, चलिए अब फिरोज मुद्दे से आगे बढ़ते हैं और दर्शक हैं बहुत सारे फोन लाइन पर, उनसे जुड़ते हैं। ए घोष साहब हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार घोष साहब, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना सवाल। आई डिपेंड ऑन योर एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू प्लान माय फ्यूचर। Thank you so much. These words are very encouraging and thank you so much for sending us your query and giving this opportunity to help you. So I have your question. आपका सवाल मेरे पास है। आपको और कुछ जोड़ना है इस सवाल में सर? नहीं। Do you want to add anything else? Sufficient, because I have an equity exposure also, but I am looking at this regular income जो household expenses और वो without any वॉलेटिलिटी अगर हो तो क्या करना चाहिए इसके लिए। ऑलराइट, चलिए आपका सवाल समझ में आ गया है। फिरोज क्या सलाह होगी? गोश साहब देखिए, अगर आपके पास एक रेगुलर इनकम की जरिया चाहिए आपको और टैक्स एफिशिएंट चाहिए, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर अगर आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, आप खर्च करना चाहते हैं, टैक्स एफिशिएंसी तो बहुत पैरामाउंट होगा ही। सो पहले तो आपको ये देखना है, मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपके पास कोई डेट फंड्स हो ऑलरेडी जो 31 मार्च 2023 से पहले खरीदे गए हैं, तो उनकी जो टैक्स की नियम है वो अलग है। द यूनिट्स एक्यूमुलेटेड आफ्टर 1st of April दिस ईयर द टैक्स लॉस डिफर। सो अगर आपके पास डेट फंड्स हैं जो पहले आपने खरीदे हैं तो उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पास करंटली लिक्विडिटी है तो आपको, अगर आप 20% की ब्रैकेट में हैं तो FDs फिर भी फायदेमंद लगे रहेंगी, क्योंकि 20% टैक्स is attractive on an FD, क्योंकि FD में almost 1% government of India से ज़्यादा मिल रहा है, वो भी fixed। आज की current स्थिति में, if you look at comparable government of India bonds of the same period, आपको 1% ज़्यादा मिल रहा है और 20% की tax के भीतर है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको दूसरे परिवार में जो भी और सदस्य हैं, उनकी फाइल में जो incomes नहीं हो, तो उसमें आप अगर major child हैं, तो उनको आप gift करके उधर से भी आप tax की benefit ले सकते हैं। कोई भी परिवार में 3-4 फाइल्स होती हैं। सो पॉइंट वन ये कह रहा हूं कि एक्जिस्टिंग डेट फंड्स में सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। सेकंड, अगर आप 20% की टैक्स लैब में हैं तो एफडी इज योर सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। थर्ड, अगर आपके पास दूसरे फाइल्स हैं जो में इतनी इनकम नहीं हो, देखिए सैलरी जो है वो आपको अपने नाम पे ही होती है और उस पर टैक्स पे कोई और छूट नहीं मिलती। बट अगर इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन है तो आप अपने क्लबिंग प्रोविजन के बगैर मेजर चाइल्ड को गिफ्ट कर सकते हैं और उनके उनके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो टैक्स ब्रैकेट्स कुड बी डिफरेंट। ये आप जरूर अपने सीए से बात करके इसको एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि टैक्स एफिशिएंसी मिल सके और जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपकी पोस्ट टैक्स बन सकती है पर मंथ, दैट कुड बी यूजफुल। चलिए घोष साहब, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। महल के सिंह मेरे साथ फोन लाइन पे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। चलिए, आप फ्लेक्सी कैप यूटीआई फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं, है ना? परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं हैं? उसके अलावे और भी फंड हैं, लेकिन हम फ्लेक्सी कैप यूटीआई से बहुत निराश हैं। इसमें कुछ दिनों से बहुत ही माने कि बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसको फ्लेक्सी कैप यूटीआई को बंद करके किसमें हम इन्वेस्ट करें या इसमें अभी रुके रहे हैं? ठीक है, आपने क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल पूछा है तो इसी की सलाह देंगे। फिरोज। जी मैम। जी मैम। फिरोज जी देखिए, सिंह साहब, आपको अगर जब यूटीआई फ्लेक्सी कैप की बात आती है तो आपकी निराशा जायज है। अगर आप देखें हमारी जो 11 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो था लास्ट ईयर बिगिनिंग में, अब 14 स्कीम का हुआ है। अगर उन सबसे तुलना करूं तो आपके स्कीम की जो रिटर्न है एग्जैक्टली डेट वाइज अगर आप देखते हैं तो 2.6% है हमारी, बाकी मॉडल पोर्टफोलियो की सेम डेट टू डेट वर्स्ट 9.6 है। तो आपकी जो शिकायत है वो जॉयस है। ये ऐसा क्यों हुआ?
ये इसीलिए होता है कि आपको अगर जब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इक्विटी के लिए चूज करना है तो ज्यादातर टॉप 5, टॉप 7, टॉप 6 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में ही सीमित रहे, क्योंकि इक्विटी जो एसेट क्लास है उसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अगर आप टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर एग्जाम्पल SBI लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ एनालिस्ट ज्यादा होते हैं, वहाँ तजुर्बा ज्यादा होता है, वहाँ बुके ऑफ प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, स्टाइल अलग होती है। तो UTI has lost the plot a while back. Of course, उनके जो CIO हैं बड़े काबिल हैं, वेट्री सुब्रमण्य, वो पहले रेलिगेयर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CIO रह चुके हैं, बहुत काबिल हैं। बट आई थिंक जब तक कि उनके एसेट्स इक्विटी एसेट्स इतने बढ़ नहीं जाते कि अच्छी मैनेजमेंट हो सके, तो आई थिंक आपको UTI में नहीं जाना चाहिए। SBI, ICICI, HDFC इन सबको पहले एग्जॉस्ट करें, फिर सो आई विल रेकमेंड यू टू एग्जिट UTI फ्लेक्सी कैप। अगर ये आप ही का एक ही स्कीम है तो आप ये मौका यूज करके 2-3 स्कीमों में और डिवर्सिफाई करें। SBI कॉन्ट्रा एक बहुत अच्छी स्कीम होगी, HDFC फ्लेक्सी कैप सेम कैटेगरी में अच्छा रिप्लेसमेंट होगा, कोटक एमर्जिंग इक्विटीज, ICICI फोकस्ड इक्विटी, 4 स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं, और भी स्कीम्स हैं, बट इफ यू हैव जस्ट वन स्कीम मिस्टर सिंह, ट्राई एंड एक्सप्लोर मोर स्कीम्स, एंड इफ इट इज वन स्कीम ओनली विद UTI, आई वुड से डेफिनेटली रिक्वायर्स सम मेंडिंग। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सीधा अब रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। फिरोज बताइए क्या है आपका आज का गुरु मंत्र? कविता जी, मेरा गुरु मंत्र फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग, सबसे अहम डिसीजन आपका ये होता है कि एसेट एलोकेशन क्या है। तो आज की करंट स्थिति में अगर आपके 5 साल प्लस के गोल्स हैं तो उसमें एटलीस्ट अगर आपकी 60-65% इक्विटी हो तो ये बहुत बड़ा हाथी के पांव में सबका पांव, ये इतना बड़ा निर्णय है। सो हर गोल को आप चेक करें और ये देखें कि आपके एसेट एलोकेशन क्या है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ फिरोज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग की, धन्यवाद। और आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा बहुत ज़्यादा जताया जा रहा है फंड मैनेजर से और तमाम फंड हाउसेस के ज़रिए भी, लेकिन आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा जता रहे हैं बल्कि निवेश प्रक्रिया में कंपाउंडिंग का महत्व क्या है वो उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के ज़रिए भी सीखा है और दर्शकों को भी सिखा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पराग पारेख म्यूचुअल फंड के CEO नील पारेख की, और उनके साथ हमने ये खास चर्चा की है जिसका पूरा टेलीकास्ट आप देखेंगे शनिवार को, रविवार को शाम को 6:30 बजे। लेकिन आइए जाते जाते इस पूरी चर्चा के अंश आपको दिखा देते हैं। आपका जो 10 साल का सफ़र रहा है उसमें ऐसे कई मौके आए होंगे जहां पर आप स्टंबल हुए होंगे, गिरते गिरते बचे होंगे। शुरुआत मुझे इसी सफ़र के साथ करनी है, कठिन वक्त 2012-13 की मैं बात कर रही हूं, जब फ्लेक्सी कैप फंड की शुरुआत की थी आपने, जब मेरे ख्याल से लोगों में आज की तुलना में अगर मैं देखूं तो नॉलेज को लेकर, बाज़ार की समझ को लेकर या SIP को लेकर बिल्कुल समझ नहीं थी। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ इंजरी के टर्म्स में, तो वो क्या क्या थी सफर में? जी, तो ऊपर नीच तो बहुत हुई थी ये 10 साल में। तो जो बिगेस्ट टम्बलिंग ब्लॉक या बिगेस्ट इंजरी आप जैसे बोलते थे, तो वो थे ऑब्वियसली हमारे फाउंडर और माय फादर मिस्टर पराग पारेख, उनका देहांत हो गया था 2015 एक कार एक्सीडेंट में जब वो ओमाहा थे बर्कशायर हैथवे की मीटिंग्स पे। तो वो टाइम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि अचानक से हो गया था, वो अमेरिका में थे, हमारे दूसरे कलीग्स भी US में थे, और ओवरनाइट मुझे CEO बनना पड़ा और ये वापस हमको संभालना पड़ा। तो वो 2 साल जो थे उसके बाद, तो ये 2015 में हुआ था, तो उसके 1 या 2 साल काफ़ी मुश्किल रहे थे। वो टाइम सर्वाइवल वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ग्रोथ और ये सब के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे। वो दूसरा हमने सोचा कि वापस अपने आप को प्रूव करना है ये टीम के साथ, मतलब MCO और
जो भी थे, तो नाम पराग परिक है, तो हाँ। पराग परिक ही नहीं रहे, तो अभी कैसा फंड आगे जाएंगे, तो वो मुश्किल रहा। तो हमने फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दिया। ओके। एक जब आप फाउंडेशन पे ध्यान देने की बात करते हैं नील, तो किन किन बातों को इसमें आपने शामिल किया, क्योंकि मेरे ख्याल से 2013 में आपने फंड को तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन शायद वो फ्लेक्सी कैप के नाम से नहीं लॉन्च हुआ था उस वक्त। जी, वो टाइम उसका नाम था पराग परिक लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड। ओके। तो वैल्यू फंड का फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया है। अच्छा। और अभी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो तीन अवतार या तीन नेम चेंज हुआ, या तीन पड़ाव इस फंड ने तय किए हैं, ये भी मैं बोल सकती हूँ। और जो आखिरी पड़ाव था वो मेरे ख्याल से सेबी की क्लासिफिकेशंस के जरिए आया था, कुछ बताएं उसके बारे में। जी, तो सेबी की क्लासिफिकेशन आई थी कि हमको चूज करना था कौन से कैटेगरी में हम रहे। अच्छा। तो एक ऑप्शन था फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, वो टाइम मल्टी कैप था, तो मल्टी कैप जो फ्लेक्सी कैप, फिर बाद में वो चेंज हो गया। तो हमारा नाम था वैल्यू फंड वो टाइम। ओके। तो हमारा ऑप्शन था वैल्यू फंड कैटेगरी में जाए या मल्टी कैप में। अच्छा। हमने मल्टी कैप चुना वो टाइम क्योंकि हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। वैल्यू फंड, अगर हम वैल्यू फंड रखते हैं और वो कैटेगरी में जाते हैं, तो हमको वो अनसर्टेंटी थी कि कौन से पैरामीटर्स पर वो वैल्यू फंड जज करेंगे। पर मल्टी कैप में हमारा जो स्ट्रैटेजी है था वो हम वैसे ही चला सकते थे, जैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स में 35% डाल सकते थे, एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज स्मॉल मिड कैप हम डाल सकते हैं, और वी कैन और कैश में भी रह सकते थे और आर्बिट्राज भी कर सकते थे। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती थी मल्टी कैप फंड में। फ्लेक्सी कैप के बारे में इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से इस AMC की एक फ्लैगशिप स्कीम है, और जो इसकी सबसे बड़ी USP है वो है इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश। और मेरे ख्याल से ये वो चुनिंदा फ्लेक्सी कैप फंड्स में से है जो आपको ये मौका भी देता है, लेकिन वहाँ पर भी एक गाज पड़ती हुई हमने देखी है 2021-22 के आसपास, जब सेबी ने जो है कैपिंग को बढ़ाया नहीं है। खैर, उसकी मौजूदा स्थिति में मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मुझे समझना है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी फ्लेक्सी कैप फंड की, और कैटेगराइजेशन के बाद के दौर की ही मैं बात कर रही हूँ, ये जो एक फंड है इसकी अनोखी बात यह है कि बहुत वर्ड ऑफ माउथ से चला है। यहाँ पर मेरे ख्याल से इस फंड को लेके आपने कोई खास एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाई है। लोगों ने कहा कि हमने इसमें निवेश किया, और जैसे लोग सुनते हैं दूसरे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, उसी तरह इस फंड को भी शायद लोगों ने उसी पसंद किया है। वो वाला दौर और आज का दौर, जहाँ पर मेरे ख्याल से आपका AUM कितने हज़ार का है, 1000 करोड़ का है अभी फ्लेक्सी कैप में, 33,000 करोड़ हुआ है। बिल्कुल। तो उस दौर में उस तरह के निवेशक की समझ में और आज के निवेशक की समझ में क्या अंतर है? जी, तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो आपने वो इंजरी की बात की थी, तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था जो आपने बोला कि आप वर्ड ऑफ माउथ से ही करते थे, तो थोड़ा ये अपने ऊपर फोर्स था, क्योंकि जब हमको हम म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिला वो टाइम क्राइटेरिया, नेटवर्थ क्राइटेरिया थी 10 crores, और वो 10 crores 50 crores में बदल गई जब 2014 में। तो 2014 to 2017, सो वी हैड टिल, हमको 2017 तक वक्त था कि हमारा नेटवर्क 10 crore to 50 crores बन जाए। अच्छा। तो हमको कोई फॉरेन पार्टनर्स या कोई पार्टनरशिप नहीं करनी थी यार, हमको ये अपने आप करना था, क्योंकि हम अपने जो भी निवेशक से जो हमने कम्युनिकेट किया वो हम कर सकते थे, नहीं तो दूसरा आउटसाइड से प्रेशर आता है। तो वो भी थोड़ा फोर्स था कि जो भी हमने पैसा बनाया वो सब हमको वापस प्रॉफिट्स में लगा, कंपनी में लगा दिया। तो कॉस्ट बहुत लीन कंपनी हमने पहले थी, और हमने वही सोचा कि वर्ड ऑफ माउथ से होगा तो अच्छा होगा। और पर ये भी लंबा सफर था, तो 2013 to 2017-18 हमारा AUM 1000 क्रॉस तक भी क्रॉस नहीं किया, वो 700 करोड़ पे ही रुका था। तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल का वक्त था फर्स्ट 5-7 years, मींस आउटसाइडर्स जो देखेंगे कि अच्छा 5-7 साल में आपने 1000 क्रॉस भी नहीं क्रॉस किया। Exactly. तो वो ग्रोथ उसके बाद आई, तो
इनिशियली हमारे इन्वेस्टर्स जो थे वो हमारे हम पीएमएस भी रन करते थे 1996 टू 2013 और हमने अपने पीएमएस क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट किया तो हमारा अबाउट 150 करोड़ का बेस था वो थोड़े मच्योर काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स थे यू नो जो हम हमें 10-15 साल से जानते थे सो उनको पता था हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे और ऐसा इन्वेस्टिंग करते थे फर्स्ट मैंने बोला फर्स्ट 5-7 ईयर्स थोड़ा मुश्किल था तो वर्ड ऑफ माउथ जो भी थोड़ा बहुत होता था वो आते थे हमको हमारे साथ निवेशक ने फिर पैंडेमिक में क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल स्टॉक्स भी थे और हमारे पास कैश पोजीशन भी थे 17% हमने हमारे पास कैश था वो टाइम तो जब मार्केट गिरा तो हमने वो सब डिप्लॉय किया वो टाइम इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वो बहुत अच्छे लग रहे थे हमको और आपको आप जानते हैं कि अभी पैंडेमिक में हमने स्ट्रीमिंग ज़्यादा किया सबने इंटरनेट बहुत यूज़ किया तो उसके उस हिसाब से हमारा तो नए इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं जो एक्चुअली क्वाइट यंग इन्वेस्टर्स हैं जो जिसने देखा कि हम ये न्यू एज टेक में इन्वेस्ट करते थे तो मिक्स काफ़ी अच्छा है आज के दौर पे तो 2013 से लेके 2017-18 तक जो आपका सफ़र रहा है वो मेरे ख्याल से आज के उस निवेशक के जैसा है जो बाज़ार में अब आने वाले 6 महीनों को लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता से घिरा हुआ है अपनी इस सीख से आप उन्हें क्या कह पाएंगे ऐसे क्योंकि आपके पास एक बहुत मजबूत बुनियादी तौर पर एक ढांचा जो आपने खड़ा किया था जो आपके पिताजी ने खड़ा कर आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी वो विश्वास आपके पास था लेकिन जो वो निवेशक है जो शायद बाज़ार में आपके ज़रिए जुड़ा हो आपके फंड के ज़रिए जुड़ा हो और अब इतनी अनिश्चितता का माहौल देख रहा है उसे आप क्या कहेंगे तो जो मैं सीख ले सकता हूँ उसमें हमारे एक्सपीरियंस से जो कि 2013 टू 2017 सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड करने का था तो मैं सोचता कि वो टाइम आप मतलब फर्स्ट 5-7 इयर्स में इतना एक्सपेक्ट नहीं करो मार्केट से यार आपको नहीं लगेगा वो मेरा पैसा इतना ऊपर नहीं गया या कुछ है यू नो ऊपर नीचे होती रहती है पर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना बड़ा अच्छा होता है लंबा जो आप लंबा सोचोगे और लंबा निवेश करोगे तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उधर आ सकती है और जब भी वो आती है तो बहुत अच्छा होता है और बहुत ऊपर जा सकता है तो हमारे हिसाब से ही ले लो कि 5-7 साल से हमारा AUM 1000 करोड़ से ऊपर नहीं था और 2-3 साल में वो ऊपर गया तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए निवेशकों को ये इक्विटी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है वो 5-7 के नीचे आप सोचो ही मत अगर 5 साल के नीचे आप सोच रहे हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट मत करना आपका मतलब इतना अच्छा नहीं होगा बट 5+ इयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं